जापान में बाइडेन अल्बनीज से हुई मुलाकात, फिर क्यों ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी, सामने आई बड़ी वजह। जापान पापुआ न्यू गिनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। वह अपने समकक्ष एंथोनी अल्बनीज के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन को लेकर भी संदेश दिया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट और ओपन इंडो पैसिफिक के पक्ष में है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के पीछे बड़ी वजह है, क्यों ऑस्ट्रेलिया गए पीएम मोदी। जापान में क्वाड नेता की बैठक हो चुकी है, जहां पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता आमने सामने बैठ चुके हैं। नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है। ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी के सिडनी पहुंचने का क्या कारण है। इसका जवाब मोदी के पहले से तय कार्यक्रम में है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को सिडनी के ओलंपिक पार्क में भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जहां वह 20,000 से ज्यादा भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। मोदी के दौरे पर सिडनी के इलाके का नाम लिटिल इंडिया रखा गया है। इसके पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में हिट है पीएम मोदी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में खूब लोकप्रिय हैं। पापुआ न्यू गिनी के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी पहुंचे तो वहां पर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। पीएम मोदी की इस लोकप्रियता की वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी टेंशन में हैं। उनके बयान से ये मालूम चल जाता है, क्वाड की बैठक में अल्बनीज ने कहा कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लोग चाहते हैं कि इस इवेंट में वो अल्बनीज खुद शामिल हो। सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के प्रोग्राम के लिए 20,000 टिकट पहले ही बुक हो चुकी है। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और चार्टर प्लेन से लोग सिडनी आ रहे हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज पीएम मोदी के लिए डिनर आयोजित करेंगे। इस डिनर डिप्लोमेसी में दोनों नेता इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दखल को रोकने की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं।